गाइस, ये एक बहुत गंदा सा स्विच बोर्ड है जो स्टार्टिंग से था जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे। हम लोग क्वार्टर में रहते हैं और क्वार्टर में बहुत लोग पहले से रह चुके हैं और कभी शायद इसको किसी ने साफ़ नहीं किया होगा, जो इतना गंदा हो गया है। और मुझे भी मालूम नहीं था कि मैं इसे कैसे साफ़ करूँ और पानी से साफ़ करने में मुझे डर भी लग रहा था, पर आज मुझे लगा कि मैं ये एक ट्राई कर लूँ एक चीज़ नई चीज़ से। तो मैंने सोचा कि मैं पूरा घर का स्विच पहले बंद कर लूँ, प्लग पॉइंट जहाँ से करंट आता है, और इसे साफ़ करने लग जाओ। तो मैंने पहले एक साफ़ कपड़े से इसको पूरी तरह से उसकी धूल मिट्टी को हटा लिया। उसके बाद मैंने कोलगेट ली, मेरे पास कोलगेट था घर में, तो मैं कोलगेट को लेकर इसके ऊपर चारों तरफ से मैंने उसको लगा लिया और उसको पूरी तरह से मैंने ब्रश के हेल्प से मैंने उसको लगाया और उसको एटलीस्ट 15-20 मिनट तक उसको ऐसे छोड़ के रख दिया। पंद्रह मिनट के लिए छोड़ दिया सूखने के लिए। 15 मिनट हो गया है और मैं इसे अब ब्रश के हेल्प से साफ़ कर लूँगी। थोड़ा घिसना पड़ रहा है पर बहुत इजीली निकल रहा है जो ब्लैक कलर के स्टेन्स लगे हुए थे इसके ऊपर, तो मैं उसको धीरे धीरे इस ब्रश के हेल्प से पूरा साफ़ कर लूँगी। देख सकते हैं बहुत हद तक साफ़ हो चुकी है, ब्लैक स्टेन भी बहुत इजीली निकल गई है टूथब्रश के टूथपेस्ट के हिसाब से। और मैंने अब इसको वो सूखी कपड़े से फिर से इसको पोंछ लेना है। गाइज, यू कैन चेक, बहुत अच्छी तरह से मेरा ये स्विच बोर्ड साफ़ हो गया है। पहले एकदम ब्लैक स्टेन्स पूरे थे, तो अब मैंने टूथपेस्ट के हेल्प से पूरी साफ़ कर ली है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ नॉट सब्सक्राइब्ड। थैंक यू।